सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन फॉर द इंजीनियर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, रीसर्कुलेटिंग बॉल टाइप स्टीयरिंग सिस्टम। इससे पहले मैंने आपको रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग सिस्टम बता दिया हूँ, वॉर्म एंड वॉर्म गियर स्टीयरिंग सिस्टम हो गया। अभी हम डिस्कस करने वाले रीसर्कुलेटिंग बॉल टाइप स्टीयरिंग सिस्टम, वॉर्म एंड नट। ओके, यहां जो हम यूज करने वाले हैं स्टीयरिंग सिस्टम को, जो हमने पढ़ा था इससे पहले ना, वॉर्म एंड वॉर्म नट स्टीयरिंग सिस्टम, उसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिए हैं। मॉडिफिकेशन करने की वजह क्या है वो जानते हैं, फिर हम इसके मैकेनिज्म पे चलते हैं। पहले क्या था, हमने ये रिसर्कुलेटिंग बॉल है, हमने कोई बॉल यूज नहीं किया था। सिंपल क्या किया था, हमारा जैसे नट बोल्ट का सिस्टम होता है, ठीक है, ये हमारा हो गया बोल्ट, ये बोल्ट है और ये है हमारा हो गया नट, ठीक है। अगर बोल्ट को हम इस एंड से फिक्स करें और इसको अगर हाथ से हम पकड़ेंगे और इसको रोटेट करेंगे, अगर हम अपने बोल्ट को रोटेट करेंगे, तो ये नट हमारा क्या होगा, इसके ऊपर अंदर और बाहर जाएगा। डिपेंड करता है हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। और इसी में हमने कनेक्ट कर दिया था एक लिंक ड्रॉप आर्म, इसके ऊपर और नीचे होने से, ये भी ऊपर और नीचे हो रहा था, और इसके ऊपर और नीचे होने से हमारा जो व्हील था वो लेफ्ट और राइट टर्न कर रहा था। तो वॉर्म एंड वॉर्म नट, तो वॉर्म गियर था ऐसा, इस पे हमारा नट लगा हुआ था, तो वॉर्म एंड वॉर्म नट। अब हम मॉडिफिकेशन किए, पहले क्या हो रहा था कि जो हमारा नट है, नट पे इंटीरियर में, नट के इंटीरियर में हम चाहिए थे टूथ ग्रूव बनाए रखे थे, और इस पे हमारा इस पे भी ग्रूव था, इस पे भी ग्रूव था। तो क्या हो रहा था, एक टिथ दूसरे इसके टिथ से मैच कर रहे थे और एक साथ रोटेट हो रहे थे, ठीक है। तो हमने इसको मॉडिफाई किया और बनाया रिसर्कुलेटिंग बॉल। तो इन दैट केस यहाँ पे हम जो हमारा नट का जो ग्रूव है, ये है हमारा नट का जो ग्रूव है, ये है हमारा वॉर्म गियर, वॉर्म शाफ्ट या वॉर्म गियर। इस बार हमारा इसका नट का ग्रूव वॉर्म गियर के जो टिथ है उससे मैश नहीं होगा, क्लियर है, उससे मैश नहीं होगा, इस तरीके से मैश नहीं होगा। और डायरेक्ट अटैचमेंट से यहाँ पे डायरेक्ट अटैच हो रहा था दोनों के टीथ से, तो टीथ के डायरेक्ट अटैचमेंट से क्या होता है, ज्यादा दिन तक पहली बात तो वो चलता नहीं है, टीथ घिसने लगता है ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू हीट ट्रांसप्लांट, ठीक है। तो क्या होता है, टीथ हमारा घिसते घिसते स्लिप कर जाता है, होता है कुछ दिन बाद हमारा ये सिस्टम खराब हो जाता है, स्लिप कर जाता है। तो हम क्या करें, तो उसी को हम देखें कि वो बहुत ज्यादा एफर्ट भी लग रहा था, ठीक है, इजिली हैवी व्हीकल्स में हम यूज कर रहे थे इसको भी, हम टाटा के जो ट्रक्स वगैरह है ना अभी भी यूज करते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम में, इसी में जो ये आगे हम हाइड्रोलिक सिस्टम अटैच कर देंगे, सेम चीज यही चीज रहेगा, तो उससे ये मूव होगा। तो टाटा के जो ट्रक्स वगैरह है वहां पे हम इसका यूज जनरली अभी भी करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट अटैच ना हो इसलिए हम इस बार सर्कुलेटिंग बॉल का हेल्प लेते हैं। ये हमारा ऐसे जो छर्रे जिसको आप बोलते होंगे, ऐसा बड़े 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 नहीं, बोले तो 3 mm 4 mm के ऐसे छोटे छोटे बॉल होते हैं। अब डिपेंड करता है कितना बड़ा हमारा ये गियर बॉक्स है, इतना बड़ा गियर बॉक्स है तो उसके अकॉर्डिंग बॉल की डाया। तो ये जो ये रिसर्कुलेटिंग बॉल का मतलब क्या हुआ, इस टर्म का पढ़िए, रिसर्कुलेटिंग का बॉल का मतलब क्या हुआ, अगर ये यहाँ पे जा रहा है तो वापस घूम के इधर भी आ रहा है, रिसर्कुलेट हो रहा है, ऐसे ये बॉल हमारा जहां भी है वहां रिसर्कुलेट हो रहा है। इसके रिसर्कुलेशन होने के कारण हमारा मैशिंग हो रही है। तो ये डायग्राम आपको मैं एकदम क्लियर आपको समझ में आ रहा है कैसे इस बॉल की हेल्प से इस बार हमने ग्रूव में इसका नट के टिथ से और वॉर्म गियर के जो टिथ है उससे हमने मैश नहीं कराया, उनके बीच में हम बॉल की हेल्प ले रहे हैं। बॉल की हेल्प से क्या होगा, हमारा ये इससे मैश होगा विद द हेल्प ऑफ बॉल्स, ना कि इसके टिथ के, क्लियर है। तो बॉल अगर है तो बॉल तो स्पेरिकल शेप का है, सर्कुलर शेप का है, तो इसका हीट एक्सचेंज भी यहाँ पे कम होगा, फ्रिक्शन भी कम होगा, क्लियर है। तो हमारा ये गियर जो बॉक्स है ज्यादा दिन तक इसकी लाइफ बढ़ जाएगी इस गियर बॉक्स का। ना देखिए, तो ये वॉर्म गियर है, ठीक है, इसके ग्रुप में हमने क्या रखा है, डाल रखा है ये बॉल्स, ये हमारा नट है।
तो जब आप इसको रोटेट करोगे तो क्या होगा, ये बॉल्स जो हैं हर एक ग्रूव में ये बॉल्स डले हुए, ये बॉल क्या होगा, पहले मैं इसको ऐसे बनाता हूं, इसको मिटाता हूं, ये नट में भी ऐसा ग्रूव बना हुआ है, नट में भी ऐसे ग्रूव बने हुए हैं, ठीक है। तो जब हम इसको रोटेट करना स्टार्ट करेंगे तो ये जो बॉल्स होंगे ये बॉल ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है, और ये जब ऊपर नट वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहां से ये बॉल गायब होगा, इधर की ओर आएगा, इधर की ओर आएगा, इधर की ओर आएगा, ये गायब होगा इधर, इधर का इधर आएगा, और ठीक है, और फाइनली इधर की ओर आएगा, ये गायब होगा, एक बॉल इधर आया, 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 ठीक है। ऐसे ये प्रोसेस पूरा चलता रहेगा। तो ये बॉल के रिसर्कुलेटिंग देखो, ये बॉल ऐसे जा रहा है, ऐसे वापस अपनी जगह पे घूमते हुए अपनी जगह पे आ रहा है, फिर ऐसे घूमते हुए अपनी जगह पे आ रहा है, फिर ऐसे। तो ये नट और वॉर्म गियर के बीच में इन दोनों किससे मैश है, रिसर्कुलेटिंग बॉल से ही मैश है, ठीक है। तो इस बॉल के रिसर्कुलेशन होने से हमारा क्या होता है, पावर इस शाफ्ट से इस नट में ट्रांसफर होता है। ये डायग्राम देखिए, ये स्टेरिंग व्हील है, स्टेरिंग व्हील को आप रोटेट करिए, उससे स्टेरिंग कॉलम रोटेट होगा, स्टेरिंग कॉलम रोटेट होने से यूनिवर्सल ज्वाइंट जो है हमारा वो रोटेट होगा। यूनिवर्सल ज्वाइंट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसका एक्सिस इधर है, इसका एक्सिस इधर है, एक्सिस मैच नहीं कर रहा है, तो हमको पावर ट्रांसमिट करना है, तो एक्सिस इस एक्सिस के पावर ट्रांसमिट हमें इस एक्सिस में करना है, तो हम यूनिवर्सल ज्वाइंट का हेल्प लिए। तो यूनिवर्सल ज्वाइंट को कनेक्ट किए किससे, हमारे वॉर्म एंड रिसर्कुलेटिंग बॉल टाइप स्टेरिंग गियर बॉक्स से कनेक्ट किए। तो अब जब उसको घुमाएंगे तो ये शाफ्ट हमारा रोटेट होगा, जो वॉर्म शाफ्ट है ये हमारा रोटेट होगा, इसके रोटेट होने से जो नट है, ये जो हमारा नट है ये ऊपर और नीचे की ओर मूव करेगा, ठीक है, ऊपर और लीनियर मोशन मूव करेगा, इसके सर्कुलेशन मोशन को ये नट लीनियर ट्रांसलेट मोशन में कन्वर्ट होगा। इसके ऊपर और नीचे होने से जो हमारा ड्रॉप आर्म है ये ऊपर और नीचे होगा, तो इसके ऊपर और नीचे होने से ये हमारा एक्सल है, ये व्हील लगा हुआ है और ये हम मैकेनिज्म लगाया है, ठीक है, फोर लिंक मैकेनिज्म हमने यूज किया है। तो इसके ऊपर और नीचे होने से हमारा व्हील भी इधर की ओर और इधर की ओर टर्न करेगा, इसके इधर टर्न होने से हमारा व्हील इधर की ओर और इधर की ओर टर्न होगा। तो ये था पूरा ओवरऑल रिसर्कुलेटिंग बॉल टाइप स्टेरिंग सिस्टम की वर्किंग, ठीक है। अब डिपेंड करता है, बॉल का कैलकुलेशन भी है काफी, ऐसे ही डिजाइन नहीं है ये, तो मैकेनिज्म आपको बताया समझने के लिए कि ये कैसे काम करता है, इसका कैलकुलेशन, बॉल का डाया कितना होना चाहिए, बॉल के डाया इसमें ग्रूफ कितना कटिंग करना है, नट पे ग्रूफ कितना कटिंग करना है। तो ये आपका जो टॉपिक है ये डिजाइन एलिमेंट का टॉपिक है, मशीन डिजाइन एलिमेंट, जिसमें आप मशीन पार्ट्स की डिजाइन करते हो वहां पे आप इसके कैलकुलेशन वगैरह पढ़ सकते हो। कुछ तो स्टैंडर्ड रहते हैं तो फॉर्मूला आपको याद नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको डिजाइन डेटा बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी। कुछ वैल्यूज हम बस रखकर विद द हेल्प ऑफ डिजाइन डेटा बुक में जो कैलकुलेशन दिया है उसके हेल्प से हम इस सारे बॉल के या फिर टूथ में जो गियर कटे हुए हैं उन सबकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो हमारा एक अलग टॉपिक है, ओके। तो हमारा यही था रिसर्कुलेटिंग बॉल टाइप स्टेरिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, थैंक यू। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, थैंक यू।